हेलो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक था वो है संप्रेक्षण उपांगम। संप्रेक्षण उपांगम के अंतर्गत हमने संप्रेक्षण क्या, अर्थ, परिभाषा वगैरह ये सब देख लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत, संप्रेक्षण उपांगम के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे वो है संप्रेक्षण की आवश्यकता और महत्व क्यों है, और छात्रों में संप्रेक्षण कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाता है, इन दो बातों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो जाती है संप्रेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, संप्रेक्षण उपांगम की, संप्रेक्षण की क्या आवश्यकता है, तो क्या आवश्यकता है कि सबसे पहले विद्यालय में संप्रेक्षण को, ये चीज है कि देखो, विद्यालय में जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके अंतर्गत क्या है, आप एक साथ में एक को ना सही, दो को नहीं, एक साथ में सारे ही बच्चे को क्या करते हो, समाहित करके एक साथ में उनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा, मतलब एक साथ में सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, मतलब दो या दो से अधिक लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, अपनी सूचनाओं को प्रेषित करना या विचारों का आदान प्रदान करना, ये पहली इसकी आवश्यकता है। दूसरा कि संप्रेक्षण के माध्यम से ही क्या किया जाता है, संप्रेक्षण के माध्यम से बालक की जो मतलब बालक की जो कमियां है उनको शिक्षक द्वारा सुधारा जाता है। क्योंकि जब तक अध्यापक और शिक्षक छात्र के बीच में जब तक संप्रेक्षण की क्रिया नहीं होगी, जब विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, तो शिक्षक जो है वो बालक के विचारों से अवगत नहीं हो पाएगा, और ना ही उसके विचारों से अवगत भी नहीं हो पाएगा, और कहां उसकी त्रुटि है उससे भी अवगत नहीं हो पाएगा। तो जब तक उन दोनों के बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा, उसका उपचार नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी संप्रेक्षण कौशल का क्या होता है, महत्व को स्वीकारा जाता है। साथ ही साथ में कि संप्रेक्षण के माध्यम से ही क्या का प्रयास क्या है कि बालकों में ज्यादा से ज्यादा संप्रेक्षण कौशल का विकास किया जा सके, संप्रेक्षण कौशल के विकास के लिए भी इसका महत्व माना जाता है। अब बात है कि छात्रों में संप्रेक्षण कौशल का विकास, मतलब संप्रेक्षण कौशल का विकास के लिए एक अध्यापक द्वारा और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं या गतिविधियां कराई जानी चाहिए जिससे बालक के अंतर्गत क्या हो सके, संप्रेक्षण कौशल का विकास हो सके। तो उसके लिए अध्यापक द्वारा जो प्रयास किए जाने चाहिए वो फर्स्ट है, पहला है संप्रेक्षण क्रियाएं। संप्रेक्षण क्रियाएं यानी कि एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में ऐसी क्रियाएं कराना, संप्रेक्षण क्रिया इसके अंतर्गत यह होता है कि संप्रेक्षण के लिए यानी विचारों का आदान प्रदान के लिए अधिक से अधिक बालकों को अवसर मिल सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा ऐसी क्रियाओं का, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए विद्यालय में जिससे क्या हो सके, प्रत्येक बालक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित, अपने प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु को बोलने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, चर्चा, परिचर्चा, पैनल चर्चा, ये जो पाठ जो होता है, आशु भाषण है, वाद विवाद है, और इस प्रकार की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, प्रश्नोत्तरी हो गई और अंताक्षरी हो गई, उन सभी के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, बालक के विचारों से अवगत होना चाहिए। इसी के माध्यम से इस प्रकार की अगर विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा अध्यापक द्वारा, तो उनके अंदर क्या होगा, संप्रेक्षण की जो क्रिया है उस कौशल का आप विकास कर पाओगे। तो इस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे क्या हो सके, आपस में वो विचारों का आदान प्रदान कर सके। नेक्स्ट है मौखिक अभ्यास। बच्चों में क्या किया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा मौखिक अभ्यास, क्योंकि जब वो बोल के मौखिक रूप में किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा तो उसके विचारों की क्या होगी, अभिव्यक्ति वो जब करेगा तो उससे भी क्या होगा, संप्रेक्षण कौशल का विकास हो सकेगा। और मौखिक अभ्यास के अंतर्गत क्या कराया जाना चाहिए कि संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत उनको ऐसी क्रियाएं की जा सके, यानी कि शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग क्या है, संधि समास क्या है, इन सारे ही प्रकरणों को क्या किया जाना चाहिए कि प्रतियोगिता के माध्यम से यानी कि मौखिक रूप में बालकों द्वारा प्रस्तुत कराने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। या श्लोक पाठ हो गया, कविता पाठ के माध्यम से, मतलब वो संस्कृत के कविता पाठ या श्लोकों को क्या करे, प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें बोलना सीखे। तो इसी से क्या होगा, उनका मौखिक अभ्यास होता रहेगा, तो एक शिक्षक जो है उनके विचारों से और विषय वस्तु से किस प्रकार से वो अपनी अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उन सब चीजों से अवगत हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अभिनय प्रशिक्षण।
अभिनय प्रशिक्षण, देखो संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक बालक में क्या है, अभिनय प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। एक अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु है उनको क्या करना चाहिए कि बालकों में एक जो कविता या कोई भी ऐसा पाठ ले लिया जिसके अंतर्गत पात्र के माध्यम से बालकों को एक करने के लिए रोल दे दिया जाता है, जिसमें क्या हो गया बालक जो है वो अभिनय कर विषय वस्तु को क्या करता है प्रस्तुत करते हैं। तो अभिनय के माध्यम से जब उन्हें समझाया जाता है तो भी क्या होता है उनमें विचार अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न होती है और संप्रेक्षण कौशल का विकास हो पाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत संभाषण शिविर। ठीक है, अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए संस्कृत के लिए, ठीक है, कि एक विद्यालय में संस्कृत के माहौल को बनाए रखने के लिए और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मतलब संस्कृत की ओर प्रेरित करने के लिए एक अध्यापक द्वारा ये प्रयास किए जाने चाहिए कि वो क्या करे अपने विद्यालय में शिविर का आयोजन करे, समय समय पर ऐसी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाए बालक के द्वारा जिसमें वो क्या करे संभाषण करे, मतलब किसी भी छोटे प्रकरण को लेकर उन्हें क्या है ग्रुप में बांट दिया जाए, समूह में बांट दिया जाए कि भाई आप इस प्रकरण पर तैयारी कर कर आओगे और प्रत्येक बालक को उस प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु को सबके सामने क्या करना होता है भाषण देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शिविर का जो है वो विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए अध्यापक द्वारा, जिससे क्या है बालक अपने विचारों को सबके सामने मतलब प्रस्तुत कर सके, जिससे क्या होगा उसमें संप्रेक्षण कौशल का विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार से जो है आप बालक में एक शिक्षक द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए कि किस प्रकार से वो संप्रेक्षण कौशल का विकास करे बालकों में।